हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, क्लास 10th के लिए यह है हिंदी का सिलेबस लेकर मैं आई हूँ। ठीक है, CBSE द्वारा जो आपके चैप्टर कम कर दिए गए हैं 2020-21 में, उनका सारा सिलेबस मैं आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना बच्चों, परीक्षा में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा आपको। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर को आपने याद करना है, कौन से चैप्टर सिर्फ आपने पढ़ने हैं। ठीक है, व्याकरण के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और बताऊंगी कि कौन सा व्याकरण किस तरह से कितने नंबर का आएगा। सिलेबस को फॉलो करना और अपनी रिवीजन और अपना पढ़ाई लिखाई अभी से शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपठित गद्यांश, जिसमें लिखा है अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न। एक अपठित गद्यांश आपको 100 से 150 शब्दों का आएगा, जिसमें कि दो क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और चार क्वेश्चन आपको दो नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल एक जो अपठित गद्यांश होगा वो 10 नंबर का होगा। और सेकंड जो है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये आपकी 16 नंबर का आएगा, जिसमें कि रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक के होंगे आपके, वाच्य जो आपके अभी वर्कशीट में हो गए हैं तो वो भी 4 नंबर के आएंगे, पद परिचय आएगा आपको 4 नंबर का और रस 4 नंबर के आएंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। ठीक है, दोनों पुस्तकों में आपको क्या पढ़ना है ये बता देती हूँ। पहला है बच्चों अ गद्य खंड में, पहला है क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, बुक से ही आपको एक पैराग्राफ या 4-5 लाइनें आपको दे दी जाएंगी, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के इसमें आएंगे। अच्छा, अगला है 2 नंबर, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्तियों का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बुक में जितने आपके लेसन आएंगे सिलेबस में, उसके आधार पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है बच्चों, ब है काव्य खंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कविताएं हैं आपकी क्षितिज में पुस्तक में, उसमें से 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे और इसमें आपको ऑप्शन भी हो सकता है विकल्प सहित। ठीक है, ये 6 नंबर का आएगा आपको। और सेकेंड इसमें दिया हुआ है क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बुक के आधार पर जो आपने लेसन वगैरह जिस हिसाब से पढ़ा है, जिस तरह से रिवीजन करी है, उस आधार पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, ये भी कविताओं में से ही आएंगे। स इसका पार्ट है पूरक पाठ्यक्रम कृतिका भाग 2 से आपको उसके पाठ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन 2 नंबर के। ठीक बच्चों, ये भी 6 मार्क्स का आपका हो जाएगा। आगे है लेखन, लेखन में आपको क्या लिखना है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थी के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा आपको। ठीक है बच्चों, ये 5 नंबर का आएगा आपको, 3 अनुच्छेद में से आपको एक ऑप्शन का कोई अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों, यही अनुच्छेद आपको बच्चों पहले 10 नंबर का आता था, लेकिन अब इसमें 80 से 100 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा जो कि आपका 5 नंबर का है। अगला है बच्चों ब वाला, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा आपको। ठीक है, या तो आपको औपचारिक दे दिया जाएगा या फिर अनौपचारिक विषय दे दिया जाएगा जिस पर आपको पत्र लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का ही आएगा। स वाला है विषय से संबंधित 25-50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन विकल्प सहित, इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी बच्चों, ऑप्शन दिया जाएगा, विज्ञापन लेखन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। अगला है संदेश लेखन, शुभकामना का संदेश हो सकता है ये, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, किसी तरह का भी आपको हो सकता है संदेश लिखना आ जाए, और ये 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना होगा और इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 30 से 40 शब्दों का और 5 नंबर का आएगा ये। ठीक, तो कुल आपके 80 नंबर इस
चीज के बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब पुस्तक का देख लेते हैं आपको। देखो बच्चों, इसमें जो आपका सिलेबस है इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, संदेश लेखन। ठीक है, ये आपको नया आएगा इस बार, पहले ये नहीं आता था, इस बार के सिलेबस में ये शामिल कर लिया गया है, संदेश लेखन। ठीक है, अब निर्धारित पुस्तकों की बातें कर लेते हैं बच्चों। अब जो चेंज हुए थे, जो हमारा सिलेबस बदल गया था, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आप मैं आपको ये बताऊंगी आपको कौन से लेसन नहीं पढ़ने हैं, जो छोड़ने वाले लेसन हैं वो मैं आपको उसकी जानकारी दे देती हूँ। नोट साफ साफ लिखा है, पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ केवल पढ़ने के लिए हैं, क्षितिज भाग दो, देव, जयशंकर प्रसाद, आत्मकथ्य, स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खंडन, संस्कृति। ठीक है, और कृतिका भाग दो में से आपको एही ठैया झुलनी हैरानी हो राम, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो चार चैप्टर मैंने क्षितिज भाग दो के बताए हैं वो, और कृतिका भाग दो के जो आपको दो चैप्टर बताए हैं, दो पाठ बताए हैं, तो ये चार और दो मिलके 6 लेसन जो हैं ये आपको सिर्फ पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन वैसे बोर्ड ने मना कर दिया, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये आपके पढ़ने के लिए हैं चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।